फाइनली हम सभी स्टूडेंट को जिसका इंतज़ार था वो घड़ी जो है आ चुका है। फाइनली जो है बेरोजगारी भत्ता का ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंट के बीच में निकल कर आया है कि इसके लिए जो है ऑफिशियली तौर पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किस तरीके से होने वाला है और किस तरीके से आपको जो है इस योजना का बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जो आपको 2500 रुपये मिलेगा ये आपको जो है किस तरीके से मिलने वाला है। 2500 रुपये आपको हर एक महीने जो है दिया जाएगा, तो एक साल की अगर हम बात करें तो ये 30,000 रुपये के करीबन आपको मिलेगा इस बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत। साथ में आपका जो है 2 साल का 2 वर्ष का आपका जो है रोजगार पंजीयन होना चाहिए और इसकी गणना जो है किस तरीके से होगा नोटिफिकेशन के साथ आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा। आपको किसी भी चैनल्स पर आप किसी दूसरे के चैनल्स भी दूसरे के वीडियोस भी देखते होंगे उनमें इतने अच्छे से जानकारी आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट पूरी जानकारी मिलेगा। भले मेरे चैनल्स पर अभी कम सब्सक्राइबर है लेकिन नॉलेज आपको उससे कहीं ज़्यादा अधिक आपको जानने को मिलेगा। अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो चैनल आगे बढ़ता जाएगा और सपोर्ट अच्छा रहा तो जल्द ही 20,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको बात करता हूँ, हवा हवाई में बात करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला और किस तरीके से आप बेरोजगारी भत्ता का लाभ ले सकते हैं और कब से मिलना आपको जो है प्रारंभ होगा और कब से जो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नोटिफिकेशन इस समय जो है निकल कर आ चुका है बेरोजगारी भत्ता को लेकर। यही है आपका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अभी तक आप लोग जितने भी नोटिफिकेशन देखते थे वो बात की बात था कि उसमें अलग अलग जानकारी बहुत से लोगों के द्वारा जो है अलग अलग जानकारी बताया गया था जिसके वजह से छात्रों के मन में छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल था, लेकिन इसमें जो है क्लियर हो चुका है किस तरीके से योग्यता जो है होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमका छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना के मापदंड आदि के संबंध में, तो इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्र शिक्षित युवाओं को प्रथमता यानी कि 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दे होगा। यानी कि इसमें साफ तौर पर जो है मेंशन किया गया है कि आपको जो है बेरोजगारी भत्ता ये योजना है ये 1 साल के लिए होगा। आपको आगे भी बताता हूँ कि किस तरीके से 2 वर्ष का जो है होने वाला है, तो 1 वर्ष के लिए होगा। यदि व्यक्ति विशेष को 1 वर्ष की उक्त अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि 1 वर्ष के लिए और जो है बढ़ाई जा सकती है। किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। यानी कि इस वर्ष आपको जो है बेरोजगारी भत्ता का लाभ मिल रहा है, आपको 2500 रुपये मिलेगा। अगर इस साल आपको मिल रहा है और आपका जॉब अगर नहीं लगता चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में, तो इस योजना के तहत आपको जो है 1 वर्ष तो आपको मिलेगा, फिर दूसरे साल आपको भी इसके लिए जो है बढ़ा दिया जाएगा। आपका जो है 1 साल और यानी 2 साल आपको जो है इस बेरोजगारी भत्ता के योजना के तहत आपको जो है लाभ मिल सकता है और अधिकतम सिर्फ 2 साल, सिर्फ 2 साल ही बढ़ाया जा सकता है बेरोजगारी भत्ता का लाभ। आप सिर्फ 2 ही साल तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हम जो है नहीं ले पाएंगे। कमेंट करके बताना कि ये योजना कितना अच्छा कारगर है। मेरे हिसाब से अगर मेरी ओपिनियन अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कट मैं बताना चाहता हूं कि ये योजना बिल्कुल बेकार है। अगर योजना का लाभ मिल रहा है तो सभी को मिलना चाहिए और योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। और जब तक जो है उनको रोज़गार ना मिल जाए, जब तक जो है एक युवक जो स्टूडेंट है मेहनत कर रहे हैं, जब तक उन्हें गवर्नमेंट जॉब ना मिल जाए, जब तक उन्हें अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तब तक उन्हें बेरोजगारी भत्ता की योजना के तहत जो है हर महीने जो है 2500 रुपये मिलना चाहिए। जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में 65 वर्ष तक जॉब करने का होता है तो ठीक इसी तरीके से आवेदन करने के लास्ट जो 40 से 45 साल रहता है उन तक जो है उनको इस बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जो है पैसा मिलना चाहिए। अगर पैसा नहीं मिलता तो ये योजना बिल्कुल बेकार है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है अलग से हैं जिसके वजह से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान में है। साथ में आवेदक जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, आपको जो है इसी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना ज़रूरी है। आप किसी दूसरे राज्य के हैं तो आप बिल्कुल भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी इसके लिए जो है पात्र होने वाले नहीं हैं। वहीं आवेदन किए जाने वाले द्वितीय वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की आयु जो है 18 से 35 वर्ष के मध्य, यानी कि आपको आवेदन करने के लिए 18 वर्ष से 35 साल का होना जो है
होना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपलसरी है। अगर आप 18 वर्ष से कम है आवेदन नहीं कर पाएंगे, 35 वर्ष से अधिक है फिर भी आप आवेदन इसमें नहीं कर सकते। साथ में आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यताधारी हो, यानी आपका कम से कम जो है 12वीं पास जो है होना चाहिए, 12th पास आउट आपका होना ही चाहिए इसके लिए। तो इसमें आगे बोला गया है, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो एवं आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकेंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष जो है पुराना होना चाहिए। आपका जो है न्यूनतम 2 वर्ष अगर पुराना है एलिजिबल है। आवेदक के आय का कोई स्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता पिता। परिवार में यही चीज़ आते हैं, अगर आपके पत्नी या भाई बहन में कोई जॉब कर रहा है तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, और अगर कोई किसी के पास जॉब नहीं है आपको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है। साथ में बेरोजगारी भत्ते की अपात्रता शर्तें, तो निम्नांकित मापदंडों में आने वाले व्यक्ति योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए जो है अपात्र होंगे। सबसे पहले तो एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। तो इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि एक परिवार में सिर्फ एक ही बच्चे को इस योजना के तहत लाभ मिल सकता है। साथ में आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए जो है अपात्र होंगे। यानी आप रेलवे में जॉब करते हो या ग्रुप डी में या फिर चतुर्थ श्रेणी में, फिर भी आप इसके लिए अपात्र रहेंगे। साथ में क्या बोला गया है, और यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्रों में किसी नौकरी का ऑफर दिया जाता है परंतु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता तो ऐसे आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होगा। तो कुल मिलाकर इतने ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन निर्देश जो है जारी किया गया, इससे अच्छा बेरोजगारी भत्ता ही मत दो, ऐसा तो छत्तीसगढ़ में कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा। साथ में क्या बोला गया है, पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधानसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे। साथ में पेंशन भोगी जो 10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए जो है अपात्र होंगे, तो उन्हें किसी भी प्रकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। साथ में वे परिवार जिन्होंने पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो उनके परिवार के सदस्यों को भी बेरोजगारी भत्ता का लाभ नहीं मिल सकता। साथ में अन्य पेशेवर जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र होंगे। तो इसमें कहना क्या चाहते हैं, कुछ मतलब का नहीं है। फिर साथ में बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति की प्रक्रिया क्या है, तो बेरोजगारी भत्ते की विस्तृत योजना के प्रति रोजगार विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी तथा इसका प्रचार प्रसार समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों द्वारा भी किया जाएगा। संबंधित जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकाय सभी आवेदकों का पूर्ण रिकॉर्ड रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पास रखेंगे। संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा आवेदन का परीक्षण कर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। पात्र आवेदकों को बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति संबंधित जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा जारी की जाएगी एवं उनके ऑनलाइन प्रविष्टि संबंधित निकायों द्वारा की जाएगी। जिन आवेदकों को जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों द्वारा बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन्हें बेरोजगारी भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में रोजगार विभाग द्वारा प्रतिमाह अंतरित कर दी जाएगी। साथ में ये चीज़ बोला गया है, मैं आपको बताता हूँ, यदि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले को किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त हो जाता है तो बेरोजगारी भत्ते हेतु तत्काल अपात्र हो जाएगा और संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय को सूचित करना होगा और तत्पश्चात संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय द्वारा उन्हें बेरोजगारी भत्ता बंद करने का आदेश पारित किया जाएगा और उन्हें राशि मिलना भी बंद हो जाएगा।
और इसमें संबंधित जनपद पंचायत नगरीय निकाय हर 6 माह में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि वे अभी भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र है या फिर अपात्र। तो ये सभी चीज़ें हैं। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्ति को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार या ऑफर किया गया स्वीकार नहीं करते तो उनकी बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक चुनावी घोषणा और एक चुनावी जुमला है, सिर्फ स्टूडेंट के साथ एक छल है और कुछ भी नहीं। कमेंट करके बताना आपको वीडियोस कैसा लगा। प्लीज़ वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लेना ताकि बाकी स्टूडेंट को भी बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड कम्प्लीट जानकारी मिल सके और उन तक जानकारी पहुँच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना और इसी तरह से हम भी इस योजना का लाभ जो है ले सकते हैं।